अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। कितना हसी सफर है, कितनी हसी डगर है, जो आप यूं पधारे, कितनी हसी लहर है। स्वागतम 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 स्वागतम, आने की आपकी जो हमको मिली खबर है, आने की आपकी जो हमको मिली खबर है, चंदा को जैसे देखने हम तो हुए चकोर है, हम तो हुए चकोर है। भगवान की नजर है, उसका यही असर है, भगवान की नजर है, उसका यही असर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हसी लहर है। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति सपना बहन। ओम शांति ओम शांति। वेलकम वेलकम। कहते हैं ना कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, तो हमारी चाह थी, आपकी मंजूरी थी, तो ये भी एक कमाल है कि क्योंकि आपको बताऊं मैं सपना बहन के हमारे पास दो दो महीने का करीब एडवांस बुकिंग होता है, लेकिन क्योंकि उसी दिन हमारी इच्छा हुई कि आपका दूसरा सेशन जल्दी होना चाहिए, तो ड्रामा अनुसार आज का जो वक्ता थे हमारे उसका कैंसिलेशन हुआ, तो दिल में जो बात पड़ी थी बाबा ने पूरी कर दी कि आपका दूसरा सेशन जल्दी से हो, तो ये खुशी की बात है हम सबके लिए, क्योंकि आपके अनुभव की बहुत सराहना की, कईयों ने मेरे से बात की और बहुत सारी बातें जानने को मिली, तो आज और खजाना आपसे हमको मिलेगा, तो भले आप शुरू करें सपना बहन। बहुत बहुत धन्यवाद। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा अनुसार जो हुआ उसमें कल्याण ही कहेंगे। जैसे आपने कहा कि आपकी बुकिंग होती है, लेकिन मुझे भी हैरानगी हुई कि एकदम से जब हिमानी बहन का फोन आया, तो इसी को ही ड्रामा कहते हैं। बाकी उस दिन मैंने कुछ बातें अपने ब्राह्मण लाइफ की शेयर करी थी दादियों के साथ, लेकिन वो बहुत शॉर्ट में शेयर करी थी, तो आज जो मैंने बीच बीच में स्किप करे थे, कुछ और अनुभव आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अनुभवों में, वो मेरा अव्यक्त बाप दादा के साथ क्या अनुभव रहा, वो दो तीन बड़े यूनिक अनुभव हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब मैं सबसे पहली बार मधुबन गई थी और अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात करी ओम शांति भवन में, तब बाबा से 1-to-1 मिलते थे, वो लास्ट ही था, उसके बाद 1-to-1 मिलना बंद हो गया था, तो उसमें बाबा ने मुझे जो वरदान दिया था वो बहुत सुंदर वरदान था, और वो वरदान आज तक मेरे जीवन में मुझे बहुत मदद करता। बाबा ने मुझे वरदान दिया था कि सर्वशक्तिवान बाप की तुम बच्ची, मास्टर सर्वशक्तिवान है, तुम्हारे आगे कोई विघ्न ठहर नहीं पाएगा, तुम्हारी सदा विजय होगी। तो ये जो बाबा ने वरदान दिया था, ये वरदान जैसे मेरी ब्राह्मण लाइफ के लिए, मैं कहूंगी कि ये वरदान तो था ही, एक गिफ्ट कहूं या उन्नति का साधन बन गया। ये वरदान मेरी स्मृति में सदा रहता, स्वपुरुषार्थ में, सेवा में, बेहद की सेवा में,
कहीं भी कोई विघ्न आता तो जैसे ये वरदान मेरे ऊपर छपा हुआ है और ये वरदान उस समय प्रैक्टिकल में मैं यूज करती तो मुझे सदा विजय मिलती। तो कई बार जब हमको वरदान मिलते हैं, चाहे दादियों से चाहे बड़ों से, कई बार हम उनको साधारण ले लेते हैं, लेकिन वो साधारण नहीं, ये भगवान के वरदान है। लेकिन उसकी अगर हमें स्मृति रहती है तो उससे हमें बहुत शक्ति मिलती है। मेरा दूसरा अव्यक्त बाप दादा के साथ का अनुभव है, सेवा के क्षेत्र में रहे। मुझे याद है दिल्ली में एक बहुत बड़ा, जो पिछली बार मैंने आपको प्रोग्राम शेयर किया था कि जिसमें विघन भी आया था और हमें जॉइंट कमिश्नर ने मदद करी थी, नेहरू स्टेडियम में था, जिसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट आए थे। तो वो प्रोग्राम के बाद हम अव्यक्त बाप दादा से मिलने मधुबन गए थे। तो जब हम मधुबन में अव्यक्त बाप दादा से मिल रहे थे तो बाबा ने दिल्ली वालों को याद किया, और विशेष उनको याद किया जो इस सेवा में जिन्होंने बहुत सहयोग दिया था तन मन धन से। तो सब दिल्ली वालों को बाबा ने, डायमंड हॉल था, आगे बुलाया। तो सब स्टेज के आगे, जो नीचे की जगह होती है जहाँ दादियां बैठती हैं, वहां बाबा ने आगे आने को कहा। तो हम सब आगे चले गए। जब हम आगे गए तो बाबा ने बहुत आफरीन दी, लेकिन मेरा जो मन था, मेरे मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई ना, क्योंकि बहुत सेवा का उमंग था, बहुत सफलता मिली थी, खुशी भी थी, नशा भी था। तो वो खुशी और नशा और ऊपर से सोने पे सुहागा, बाबा का इतना ब्लेसिंग्स मिलना और इतना स्नेह मिलना, बाबा की आफरीन, तो मेरा मन हुआ कि मैं स्टेज पर जाऊं और बाबा से, जैसे बाबा के बहुत नजदीक जाकर के बाबा से मिलो, ये मन में इच्छा जागृत हुई। तो जैसे ही मेरे मन में ये संकल्प जागृत हुआ, उसी समय बाबा ने स्टेज से बोला कि बहुत बच्चों के अंदर, कई बच्चों के अंदर संकल्प आ रहा है कि हम भी स्टेज पर जाएं, लेकिन क्योंकि बाबा की ने कहा कि स्टेज जो है छोटी है, अगर सभी बच्चों को स्टेज पर बुला लेंगे तो स्टेज टूट जाएगी, इसलिए आप बाबा के दिल में हो, बाबा के नैनों में समाये हुए हो। तो बाबा के वो शब्द तुरंत मुझे, जो बाबा ने स्टेज से आंसर दिया मन के संकल्प का, तो मेरी आंखें भर आई कि देखो बाबा का, हम कई बार सोचते हैं कि पता नहीं हमारे संकल्प बाबा तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं, लेकिन ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि जैसे ही मन में संकल्प उत्पन्न हुआ, बाबा ने सम्मुख से उसका आंसर मुझे दिया। तो ये बहुत यूनिक एक्सपीरियंस मेरा रहा। तीसरा मेरा अव्यक्त बाप दादा के साथ अनुभव रहा, आप जानते हैं कुछ सालों से, क्योंकि बाबा के घर में बच्चे बहुत बढ़ गए, पहले तो एकदम फ्री था, लेकिन अभी स्टेज पर जाने के लिए जैसे स्ट्रिक्टनेस होती है, कोई भी बिना बैच के या ऐसे स्टेज पर अव्यक्त बाप दादा के समय नहीं जा सकते हैं। मैं, बाबा आए हुए थे, मुरली पूरी हो चुकी थी, मैं अव्यक्त बाप दादा के सामने सोफे पे बैठी हुई थी और मैं बाबा से बहुत स्नेह भरी दृष्टि ले रही थी। बाबा बीच बीच में दृष्टि देता है अपना, बाबा बातचीत भी करता है और जो सम्मुख बच्चे बैठे हैं उनको दृष्टि भी देते हैं। तो मैं बाबा को निहार रही थी, दृष्टि ले रही थी और बहुत अच्छा अनुभव कर रही थी। जब मैं बाबा से नैन मुलाकात कर रही थी तो बाबा ने नैनों द्वारा मुझे स्टेज पर बुलाया, जैसे आंख ऐसे करी और मुझे कहा, जैसे मुझे लगा कि बाबा मुझे स्टेज पर सम्मुख बुला रहा है। आप मानेंगे नहीं, मैं स्टेज पर चली गई और जब मैं स्टेज की सीढ़ी चढ़ी, जो रोकने वाले भाई थे वो ऐसे साइड में हो गए कि जैसे, बाकी सबको नहीं जाने दे रहे थे लेकिन मेरे लिए वो एकदम साइड में, जैसे रास्ता एकदम साफ, जिसको बाबा कहता है ना ग्रीन सिग्नल मिल जाना, ऐसा ग्रीन सिग्नल मुझे मिला, वो आपे ही साइड में हो गए और मैं बाबा के सम्मुख गई। बाबा ने बहुत, मैं काफी देर तक बाबा ने मुझे दृष्टि दी। तो ये भी मेरा एक अव्यक्त बाप दादा के साथ
अनुभव है कि जैसे कहते हैं ना कि अगर सच्चे दिल पर साहब राजी, तो ये जैसे हमने अपने जीवन में अनुभव किया। चौथा मेरा अनुभव अव्यक्त बाप दादा के साथ जो बहुत ही यूनिक है वो ये है कि मैं अव्यक्त बाप दादा के साथ पास सम्मुख स्टेज पर मिलने गई थी। मेरे साथ एक वीआईपी थे, राकेश मेहता जी थे, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के, मेरे पास आते थे तो वो मेरे साथ थे। हम दोनों बाबा से मिलने स्टेज पर गए थे और हमारी बहन जी सीनियर सिस्टर भी एक साथ में थी। तो जब बाबा ने जो वीआईपी गेस्ट थे उनसे मिले, उनको दृष्टि दी, फल दिया, और बहन जी से भी मिले, बड़ी बहन जी से भी मिले, उनको भी फल दिया, तो मैं भी साइड में खड़ी थी। तो बाबा ने मुझे भी जैसे बुलाया तो बहन जी मेरा परिचय देने लगी कि ये कौन है। तो बाबा ने कहा बाबा बच्ची को जानता है। तो वो जो बाबा ने कहा कि बाबा बच्ची को जानता है और परिचय नहीं लिया, बाबा ने इतना कहा और बहुत प्यार से दृष्टि देते हुए मुझे बाबा ने फल दिया, तो उस समय मुझे इतना अच्छा लगा कि कई बार हम सोचते हैं पता नहीं बाबा हमें जानता है कि नहीं जानता है। कई बार ऐसे कई ब्राह्मण होंगे जो बाबा से शायद 1-to-1 नहीं मिले होंगे, या हो सकता है उनका कभी ऐसे इंटरेक्शन बाबा के साथ नहीं हुआ होगा, या उनके अंदर ऐसे संकल्प चलते होंगे पता नहीं बाबा हमें जानता भी है कि नहीं जानता है, या बाबा मेरे संकल्पों। लेकिन ये मेरे अनुभव में इसलिए सुना रही कि आप सदा ये निश्चय रखें कि हमारे हर संकल्प, जो संकल्प समर्थ हैं, जिसमें शुभ भावना शुभ कामना है, ऐसे संकल्पों को सदा बाबा के पास पहुंचते हैं और बाबा उसका रिटर्न अवश्य देता है। और कभी ये ना सोचे कि पता नहीं बाबा मुझे जानता है कि नहीं जानता है, शायद जो नामी ग्रामी है उन्हीं को बाबा जानता है, ऐसा नहीं है। बाबा का हर बच्चे से अति स्नेह है और बाबा हर बच्चे को जानता है, अच्छे से जानता है। और कई बार बाबा ये बात मुरली में कहते भी हैं, कई बार ऐसे भी कहते हैं मैं नाम सहित हर एक बच्चे को याद प्यार देता हूँ। तो कई बार जो मुरली में बाबा, जिसको जो मेरा ये अनुभव है, ये जैसे कि बाबा कई बार कहता है कि मैं पब्लिक में प्राइवेट मीटिंग कर लेता हूँ, तो ये मेरे बहुत अनुभव है कि बाबा ने पब्लिक में मेरे साथ प्राइवेट मीटिंग्स करी है। तो वो मीटिंग्स, वो मिलन अपने में अनोखे होते हैं ना। तो ये अव्यक्त बाप दादा के कुछ अनुभव मैंने आपके साथ शेयर करे। एक और जो मैंने अपना समर्पण का अनुभव शेयर किया था, तो उसमें ही एक मैं बात आपको और बताना चाहूंगी, वो भी अलौकिक है, कि जब मधुबन में मेरा निर्णय हो गया कि ये मधुबन में रहेगी, तो उस समय बहुत मन में, जैसे कईयों ने कहा कि नहीं बहुत मुश्किल है कैसे रहोगी, तो उस समय जैसे मन में एक दुविधा आई। दुविधा जैसे पहले निश्चय था, लेकिन जब कहते ना सुनने से, तो सबने जब ऐसा बोलना शुरू किया तो मन में थोड़ा सा दुविधा के थॉट्स आने शुरू हो गए। और मेरा ये हर हमेशा का, जब से ज्ञान मार्ग में आई हूँ, जब भी मन में कुछ उलझन या दुविधा आती है, मैं बाबा के कमरे में जाकर बैठती हूँ और बाबा से ही मुझे समाधान मिलते हैं। तो उस दिन भी मैं, जब इस तरह से हुआ, तो मैं पांडव भवन में जो बाबा का कमरा है वहां जाकर बैठ गई और बाबा के सामने बैठ करके, कोई नहीं था, दोपहर का समय था, 3-3:30 बजे होंगे उस समय, मैं बाबा के सम्मुख बैठ गई और बाबा को अपने दिल का हाल सुनाया कि बाबा सब लोग ऐसे कहते हैं कि ये समर्पित जीवन बहुत कठिन जीवन है, तुम ये समर्पण वाला जीवन नहीं जी पाएगी। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा क्या सचमुच ये इतना कठिन है, मैं तो जानती नहीं हूँ। तो बाबा से मैंने कहा, बाबा आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, है ना। तो बाबा जैसे उस समय मुझे ऐसा फील हुआ, अनुभव हुआ कि वो चित्र में से बाबा बाहर निकल कर आ गया, खड़ा हो गया और मुझे अपने गले लगाया और बोला कि बच्ची बाप के पास आ जाओ, बाबा जवाबदार है।
तो वो दिन था, बाबा ने ऐसा अनुभव कराया, फिर मेरे सब संकल्प जो मन में थे वो एकदम स्टॉप हो गए, और उसके बाद जैसे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अंदर परिवर्तन कैसे आया। फिर मैंने बाबा को यही कहा, बाबा जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ, मुझे आता नहीं है कि एक समर्पित जीवन कैसे जीना होता है, बाबा आप सिखाते जाना, मैं सीखती चली जाऊंगी। तो ये जैसे मैंने अनुभव किया कि फिर उसके बाद जैसे मेरे अंदर जो भी परिवर्तन आया वो मुझे कभी मेहनत नहीं लगी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने जीवन में कभी कोई बहुत मेहनत या पुरुषार्थ करके अपने आप को परिवर्तन करा है। जो लोग मुझे पास्ट में जानते हैं ना, तो अगर वो मेरी लाइफ हिस्ट्री सुने तो मेरा परिवर्तन ही प्रूफ है कि ये भगवान ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना परिवर्तन किसी में आ जाना, सोच में, व्यवहार में, हर चीज में इतना ड्रास्टिक परिवर्तन आना। तो ये जैसे बाबा ने कभी भी, हम जैसे बाबा कहते हैं ना कि मोहब्बत करो मेहनत नहीं करो, तो अब हमने सिर्फ बाबा से मोहब्बत करी। कई बार हंसी में मुझसे पूछते भी हैं, तो मैं हमारे एक को यही कहती हूँ कि मेरा बाबा से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, इसीलिए मैंने बाबा के साथ है ना लव मैरिज करी है, अरेंज मैरिज नहीं करी है ना, क्योंकि मेरा ऐसा झटकू रिलेशन बना बाबा के साथ और बाबा ने मुझे इतना परिवर्तन किया। तो ये जैसे बड़े ये माना जीवन के ऐसे अनुभव हैं कि जो आज भी मैं सुना रही हूँ तो मेरे को जैसे रोंगटे खड़े हो जाते, घुस पिंपल हो जाते, तो ऐसा अनुभव हो रहा है ना। उसके बाद जैसे हम मधुबन में रही, दादियों के साथ रही, बड़ी दादी, दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि जो थी, जिनको हम बड़ी दादी कहते हैं, दादी ने इंटरनेट का शायद कुछ हुआ तो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं जैसे दादी की बात बता रही थी आपको, तो दादी के चित्त में कभी भी कुछ रहता नहीं था, वो अपनी ड्यूटी, जैसे बाबा कहता है ना कि कर्म करके न्यारे हो जाना, दादी शिक्षा भी देती थी लेकिन शिक्षा देने के बाद ऐसे न्यारी हो जाती थी कि जैसे सामने वाले को हल्का कर देती थी, क्योंकि जैसे बाबा कहते हैं ना किसी को शिक्षा देने के बाद फिर अगर उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना, तो सामने वाला शिक्षा को तो ले लिया उसने, उसके बाद वो दादी के साथ उसका संबंध जैसे पहले था वैसा ही रहता, अर्थात दादी उनके साथ लाइट ही बिहेव करती। तो ये बड़ी यूनिक लीडरशिप क्वालिटी हमने दादी के अंदर देखी थी। एक बार की बात है कि हम मधुबन में जैसे हम फॉरेनर्स का भी सेवा देखती थी, पार्टी आती थी तो देखते थे, तो कई बार लंच में सीजन में लेट हो जाता था, तो पांडव भवन में पार्टी गई तो 2:30 बज गए, तो हम भंडारे में खाना खाने गई, तो खाना सब ठंडा था थोड़ा सा था, तो हमने चावल लिए और जो छोटा किचन था सुरेंद्र भाई का पेशेंट किचन, उसमें जाकर मैं छोंक लगाने लग गई चावल को खाने के लिए बनाने के लिए। मैं बड़े मजे से अपना छोंक लगा रही हूँ और थोड़ी देर बाद बड़ी दादी 3 बजे चक्कर लगाती थी पांडव भवन में भंडारे का यहाँ वहां, तो दादी चक्कर लगाते हुए आई तो मुझे तो पता नहीं, मेरे पीछे दादी खड़ी है और दादी देख रही है कि मैं क्या छोंक लगा रही हूँ और मैं बड़े मस्त अपना वहां से चीजें उठा रही हूँ। ये थोड़ी देर बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दादी खड़ी थी, मैंने कहा दादी, तो बोला कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं देख रही थी तुम कैसे बना रही है, खाओ खाओ कोई बात नहीं। माना चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, दादी इतनी बड़ी लेकिन हम लोगों के साथ इतना लाइट बिहेव करना, तो ये भी अपने में बड़ी हमने दादी की विशेषता देखी। कभी दादी के साथ हमें ऐसा नहीं लगता था कि ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है या बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर बहुत हाई लेवल में, तो छोटी थी दादी तो बहुत बड़ी थी, लेकिन कभी हमें ऐसी फीलिंग नहीं आई कि भाई दादी है ये, बड़ी है ये, हमको लगा जैसे अपने घर में माँ होती है ना। इसलिए दादी हमेशा कई बार कहती थी कि आपकी कई माँ है, दादी माँ है, मम्मा है, ब्रह्मा माँ है,
शिव बाबा भी माँ है, फिर उसके बाद लौकिक माँ है, फिर जिसने आपको ज्ञान दिया वो आपकी माँ है। तो ऐसे दादी कहती थी, तो दादी से हमें माँ की भासना आती थी ना, इतना दादी का लाइट नेचर था, बहुत सरल स्वभाव दादी का ना। तो ये जैसे बड़ी दादी के अंदर विशेषता थी। जब हम मधुबन में सीजन शुरू होने वाला होता था तो दादी की देखो पार्टी के प्रति कितनी भावना होती थी, जो पार्टी आने वाली है। मधुबन में जब पार्टी आने का सीजन शुरू होता था तो दादी सब मधुबन निवासियों की मीटिंग लेती थी, और उस मीटिंग में दादी एक एक डिपार्टमेंट वाले से पूछती थी कि तुम्हारी सब तैयारी है, पार्टी आएगी तो उनको सब सुविधा मिलेगी। बिजली वाले से पूछती थी सब लाइटें ठीक हैं, कोई कमरों में सब सुविधा है, सब ठीक है, गीजर सब चल रहे हैं। गर्म पानी वाले से पूछती थी, एक एक से खड़े होकर पूछती, खड़ा करके पूछती थी कि जो पार्टी आने वाली है ताकि उसको कोई भी किसी को भी असुविधा ना हो। फिर बिस्तर वालों से कहती थी, बिस्तर वालों से पूछती थी कि रजाई कंबल सब है। यहाँ तक कि दादी ये उनसे पूछती थी कि आपने सारे बिस्तर को धूप लगवाई है। माना कितना माइन्यूटली दादी चेक करती थी, पूरी इंफॉर्मेशन लेती थी है ना, दूध वाले से, सबसे, हर तरह से। तो उसमें दिखता था कि दादी का देखो ब्राह्मण परिवार जो देश विदेश से आ रहा है उसके प्रति दादी का कितना प्यार है। यही तो प्यार है, जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आता है तो जिससे बहुत स्नेह होगा तो आप क्या करेंगे, उसके रूम की तैयारी अच्छी करेंगे, उसके लिए सब सुविधा रखेंगे। ऐसे ही हमने देखा कि दादी शायद बाय नेम हर एक को नहीं जानती होगी, लेकिन नहीं, बाबा के घर बच्चे आ रहे हैं तो हर प्रकार से सुविधा होनी चाहिए ना। बड़ी दादी कभी भी बाबा के सम्मुख सोफे पे नहीं बैठती थी, दादी पट पे बैठती थी। ओम शांति भवन में जब तक बाबा आया दादी पट पर बैठती थी, नोटबुक लेकर बैठती थी, डायरी भी लेकर बैठती थी, हम लोग दादी के साथ बैठते थे और दादी इतना मग्न होकर मुरली सुनती थी और बाबा के हर प्रश्न का उत्तर देती थी। तो इस तरह से दादी के अंदर नशा, जब दादी मुरली सुनाती थी तो इतने नशे में चली जाती थी कि क्या आनंद आता था, ऐसा लगता था कि दादी अपने साथ हमें लेकर चल रही है उन यादों में, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो अकेली है, हम सब उनके साथ हैं। दादी इशारे से भी शिक्षा देती थी। मुझे एक बार की याद है कि जो शांति वन में जो पेड़ है जहाँ पर तपस्या धाम है, वो पेड़ पिकनिक स्पॉट होता था, जहाँ बाहर झूले भी पड़े हैं, तो दादियाँ वहाँ पर हमको पिकनिक कराने लेकर आती थी और उसके बाद क्लास होती थी। तो एक बार ऐसे ही पिकनिक और क्लास में थे, तो जब क्लास हो रही थी तो साइड्स में चेयर लगती थी, तो मैं चेयर पे बैठ गई, मैं छोटी थी लेकिन कुर्सी पे बैठ गई। तो दादी जैसे इशारा कर देती थी स्टेज से, तो दादी ने मुझे इशारा किया और मेरे को एकदम कैच हुआ और मैं तुरंत नीचे आके बैठ गई। अर्थात दादी हर चीज का, जैसे ब्राह्मणों के अंदर, जैसे हम कन्याएं हैं तो हमारे अंदर जो भी, अगर जैसे कि मैं छोटी हूं तो मुझे पट पे बैठना चाहिए, तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी शिक्षाएं दादी इशारे से हमें सिखलाती थी। तो दादी को क्योंकि स्नेह था, प्यार था, तो दादी का ऐसा रहता था। तो बड़ी दादी की ऐसी विशेषताएं थी। जैसे एक और बात की, जैसे मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में सेवा करी, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में विश्व रतन दादा होते थे। विश्व रतन दादा भी अपने में एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगी योगी आत्मा थी वो, एकदम साइलेंस में और बाबा का एकदम, मैं कहूंगी ऑनेस्टी में नंबर वन बच्चा बाबा का न? तो विश्व रतन दादा वो सचमुच रतन थे, उनके अंदर इतनी एक्यूरेसी थी कि हर काम वो बिल्कुल एक्यूरेट करते थे। अमृत वेले वो एक्यूरेट टाइम पर स्टेज पर अपनी सीट पर बैठते थे, रोज अमृत वेला कराते थे और एकदम अलर्ट होकर वो बैठते थे। दादा के पास हम
बैठते थे दादा से पूछते थे, तो एक बार दादा ने हमको ये जो झाड़ का चित्र है, ये झाड़ का चित्र कैसे बना वो इतिहास सुनाया था, वो आपके साथ हम शेयर करती हूँ। कि जो झाड़ का चित्र है, आपको मालूम है कि हमारी आदरणीय गुलजार दादी जी ट्रांस में जाती थी और ये चित्र देखकर आती थी। तो दादी ने ट्रांस में ये चित्र देखा झाड़ का और बाबा को आकर के बताया। तो बाबा ने विश्व रतन दादा को एक हफ्ते का समय दिया कि बच्चे एक हफ्ते में तुमको ये चित्र बनाकर लाना है। तो दादा ने कभी जिंदगी में ना नहीं कहा। दादा ने कहा मैं सदा बाबा जो कहता था मैं हां जी कहता था। तो दादा ने वो चित्र के लिए हां जी बोला और बोला कि और उस दादा ने मम्मा को बोला कि मम्मा मुझे एक ऐसा हैंड दे दो जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, ताकि उस चित्र में जो लिखने का काम है वो बहन कर दे। तो आप सबको पता हो हमारी जो लच्छू दादी थी, लच्छू दादी की हैंडराइटिंग जो थी एकदम ऐसी थी, इतनी नीट एंड क्लीन थी जैसे टाइप किया हो, इतनी दादी की हैंडराइटिंग नीट क्लीन थी। तो लच्छू दादी को बाबा ने ये सेवा के लिए विश्व रतन मम्मा ने विश्व रतन दादा के साथ जुड़ा। तो दादा ने दिन रात लगकर जो वो चित्र था जो गुलजार दादी को ट्रांस में नजर आया था, वो चित्र दादी से पूछ के और वो सब करके वो चित्र दादा ने बनाया। तो बाबा ने उनको सोमवार का शायद टाइम बोला था, जहां तक मुझे याद है, कि सोमवार को बच्चे क्लास में वो चित्र लेकर आना। तो जब बाबा आए, बाबा की मुरली चली, तो मुरली के बाद बाबा ने पूछा कि वो विश्व रतन बच्चा आया है वो चित्र बनाकर। तो दादा तो बना के लाया था जैसे मैंने बताया दादा। तो दादा ने कहा हाँ बाबा मैं बनाकर लाया हूँ। तो बाबा ने देखा, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आया था, बाबा ने वो चित्र देखा और उसमें करेक्शंस बताई। तो ऐसे करते करते दादा ने बताया बहुत करेक्शंस हुई, फिर मैं दोबारा चित्र बनाया। पहले ऐसा नहीं होता था, कंप्यूटर है तो इतना सहज नहीं होता था, वो तो फिर दोबारा करना पड़ता था। तो ऐसे करते करते दादा ने बताया कितनी बार उसमें करेक्शन हुई, तब जाकर के वो चित्र बना। जैसे उसमें बाबा ने कहा नहीं एक ब्रह्मा को ऊपर भी दिखाओ, ये सारी बातें दादा ने हमको सुनाए कि ऐसे ये चित्र बना। तो एक एक चित्र के पीछे कितनी मेहनत है, कितना डेडिकेशन है, और स्वयं भगवान ने ये चित्र बनवाए हुए। इसलिए बाबा कई बार मुरली में कहता है कि बाबा को चित्र, पीछे भी बाबा ने कहा कि आज सीढ़ी के चित्र का कहा, कभी गोले के चित्र का, कभी त्रिमूर्ति के चित्र का, कभी झाड़ का, बाबा मुरली में कहता रहता है ना। थोड़े दिन पहले मैगजीन के लिए भी बोला ना, हमारे जगदीश भाई जी मैगजीन बनाते थे, तो जब वो मैगजीन बनाते थे तो मैगजीन बनाने के लिए वो जब दिल्ली में प्रेस में जाते थे तो वो ऑल इन वन वो खुद ही करते थे, बाहर ही झाड़ के नीचे बैठ के लिखते थे और वहीं से पेपर खरीद कर और छपवा करके और खुद ही वीआईपीस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो हर एक ये जो बाबा के, ऐसे ही नहीं बाबा इनको रतन कहता, ये एक एक बाबा के जो है वो रतन है। तो ऐसे विश्व रतन दादा थे। विश्व रतन दादा शायद ही बना, इतनी उनके अंदर शीतलता और शांति थी कि कोई कितना भी जोर से बोल दे, आवाज में बोल दे, लेकिन दादा की आवाज सदा एक रस होती थी। कभी दादा बहुत जोर से नहीं बोलते थे, एक रस आवाज होती थी। कोई दस बोलता था तो दादा एक शब्द बोलते थे बस, और अपना अंतर्मुखी होकर के रहते थे। हमने कभी उनकी जोर से आवाज नहीं सुनी, कुछ नहीं। और टाइम की एक्यूरेसी तो ऐसे कि मना हर चीज इतना पंक्चुअल ना, कि बिल्कुल पंक्चुअल डिसिप्लिन लाइफ थी उनकी, और बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा कुछ नहीं। तो ये ऐसे बाबा के रतन थे। ऐसे ही हमने रमेश भाई जो अकाउंट्स में थे, उनके साथ भी हमने सेवाएं करी। तो रमेश भाई के साथ का एक अनुभव मैं आपको, वैसे तो कई है लेकिन एक
उनकी जो बहुत ही यूनिक क्वालिटी जो हमने देखी वो आपके साथ शेयर करती। एक बार हम शांतिवन गई थी, माउंट आबू से शांतिवन गई, तो वहां पर रमेश भाई भी आए हुए थे, तो मैंने रमेश भाई को कहा कि आपकी गाड़ी में जगह हो कि मुझे ऊपर जाना है। तो रमेश भाई ने कहा हाँ सपना तुम आ जाना इतने बजे, मैं ऊपर जाऊंगा आपको भी ले जाऊंगा। मैंने कहा जी भाई साहब। तो टाइम पर मैं पहुंच गई, तो जब मैं पहुंची रमेश भाई के पास तो उसी समय एक बहुत सीनियर सिस्टर आई, उन्होंने भी रमेश भाई को कहा कि अच्छा आप ऊपर जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ बैठ जाती हूँ गाड़ी में, आपकी गाड़ी में जगह तो होगी। तो रमेश भाई ने उनको मना कर दिया, बोला नहीं ये जो बहन बैठी है ना सपना, इसको मैंने हाँ कह दी है, यही मेरे साथ जाएगी, मैं इसको अब ना नहीं कहूंगा, आप दूसरी गाड़ी देख लो। तो माना कि मेरे को वो बहुत अच्छा लगा कि देखो मैं बहुत छोटी थी, मुझे वो कह भी सकते थे कि सपना तुम दूसरी गाड़ी में आ जाओ, ये बड़ी बहन जी कह रही हैं, लेकिन उन्होंने उनको साफ मना कर दिया कि नहीं मैं इनको कमिट कर सका चुका हूँ, यही मेरे साथ जाएंगी। तो ऐसी जो यूनिक पर्सनैलिटीज जो दिल को छू जाती, ऐसी जो बातें, तो जैसे होता ना हर एक के अंदर कुछ ऐसी यूनिक बात होती है जो दिल को छू जाती है, तो ऐसे हमने रमेश भाई के अंदर इस तरह से अनेक बातें देखी। ज्यादातर लोगों ने उनका स्ट्रिक्ट रूप देखा है, लेकिन वो इतने स्ट्रिक्ट अवश्य थे लेकिन वो रमणीक भी बहुत थे ना, ऐसा नहीं कि रमणीक नहीं थे, रमणीक भी बहुत थे। उसी तरह से हमारी जो मनोहर दादी है ना, तो मनोहर दादी जो थी ना वो कन्याओं को बहुत प्यार करती थी। जब हम ज्ञान में नए नए आए तो दादी जो थी चौक में बैठी होती थी, तो हम आते थे तो हमें ऐसे बुलाती थी इधर आओ, फिर पूछती थी तुम्हारा नाम कौन है, तुम कहाँ से आई हो, क्या करती हो, सब कुछ पूछ के फिर कहती थी कि तुम बाबा की बनेगी, टीचर बनेगी ना, कन्याओं के प्रति जैसे वो पक्का पाठ कराती थी कि तुमको टीचर बनना ही है, यही तुम्हारा। तो जैसे दादियों की ये पालना ना, कि जैसे हम चल रहे हैं और बुला लिया और फिर उसके बाद हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई आप टीचर बनो बाबा का, और चलते फिरते ज्ञान रतन देना। आज हम सोचते हैं कि वो दिन में माना कितना सहज था, दादियां हमको बुला बुला कर ज्ञान रतन देती थी ना, आज तो मिलने के लिए भी कितना, और उस समय तो दादियां ऐसे चौक में बैठी होती थी और बुला बुला कर कोई ना कोई शिक्षा दे देती थी ना। तो एक बार मनोहर दादी ने, जैसे शिक्षा की बात है, जब मैं समर्पित हुई तो जैसे मेरे जो बाल थे वो यहाँ से चीर निकलता था साइड से, तो मनोहर दादी ने मुझे कहा कि ब्रह्मा कुमारी का चीर तो बीच में होता है, तुम्हारा तो साइड में है, ये तो शुद्र कुमारी का होता है। तो मैंने कहा अरे मैं तो शुद्र कुमारी हो गई साइड में है, तो मैंने रात को ही अपने बाल खींच खींच के बीच में कर दिया, और कि नहीं मुझे बीच में, क्योंकि मैं तो शुद्र कुमारी नहीं हूं, मैं तो ब्रह्मा कुमारी हूं। तो माना दादियां देखो कितना छोटी छोटी बात नोट करती थी और हमारे रूप में हर चीज में परिवर्तन ले आई। तो लेकिन हमको वो अच्छा लगता था, अगर दादियां हमको कुछ हमको शिक्षा देती थी या कभी हमको कुछ बड़ा थोड़ा ऑफिशियल रूप भी दिखाती थी तो उसमें अपनापन लगता था, ऐसा लगता था कि कोई अपना तो है पूछने वाला। अगर हम मुरली क्लास में नहीं जाते थे है ना, तो उस दिन हमें मालूम होता था कि कोई ना कोई दादी या मनोहर दादी बड़ी दादी अगर हमको मिलेगी तो पूछेगी तो कि तुम मुरली क्लास में कहाँ थी, तुम दिखी नहीं मुरली क्लास में। तो इसलिए हम मुरली और अमृत वेले की अटेंडेंस पे बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि हमें होना रहता था कि अगर दादी दिखेगी तो दादी पूछेगी। और हम लोग जो थे कि सुबह उठते जब जैसे मुरली क्लास होती थी तो बड़ी दादी की या जिस गाड़ी खड़ी होती थी, तो हमारे अंदर इतना उमंग होता था कि हमको होता था कि दादी की गाड़ी से पहले हम ओम शांति भवन में जाकर बैठ जाए,
ना, कहीं ऐसा ना हो कि हम लेट हो जाएं। तो हमें हमेशा क्लास में जो स्टूडेंट लाइफ है कि स्टूडेंट को टीचर से पहले पहुंचना चाहिए, ये हमारा अपने ऊपर बड़ा अटेंशन रहता था कि नहीं स्टूडेंट तो टीचर से पहले पहुंचेगा ना। तो एक बार जैसे जगदीश भाई जी थे, तो जब ऑफ सीजन होता था तो जो जगदीश भाई जी थे वो तो ज्ञान के माहिर थे, तो वो बहुत सेवाएं देते थे। उनके पास तो सेवा का सदा भंडार रहता था, कभी भी चले जाओ सेवा ही सेवा होती थी उनके पास। तो एक बार उन्होंने, ना सेवा हमारे लिए कितना उन्नति करती है, एक बार उन्होंने हम सब जो मधुबन में हम बहनें थी और जो भाई थे कुछ, हम सबको एक प्रोजेक्ट दिया कि आप मूल्यों में से, साकार मूल्यों में से हर एक को एक एक टॉपिक दे दिया, किसी को आत्मा, किसी को परमात्मा, किसी को ड्रामा, किसी को कुछ, किसी को कुछ, ऐसे 5-6 उन्होंने हेडिंग्स टाइटल्स निकाले और हर एक को एक एक टाइटल दे दिया कि इस टाइटल के ऊपर साकार मुरली में जो पॉइंट्स आए हैं वो आपको निकालने, फिर हम मुरली वो रिसाइकल करते थे। तो वो प्रोजेक्ट जो हमने जगदीश भाई जी के साथ किया, आत्मा के, परमात्मा के, ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकाले, उसमें हमारी बुद्धि इतनी रिफाइंड हो गई कि वो मुरली सुन करके और पढ़ करके और वो रिफाइंड। तो ऐसे माना सेवाएं बहुत। एक बार हम दिल्ली में आई थी, हमारी थोड़ा शारीरिक थोड़ा तबीयत स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो मैं दिल्ली में नेचुरोपैथी थोड़ा कराने लौकिक में आई थी। तो जगदीश भाई जी को पता चला, वो भी दिल्ली में रहते थे, वो हमेशा बड़ा सेवाएं उनके साथ मैं करती थी, तो उनको पता चला, वो मधुबन से दिल्ली आए तो उनको पता चला सपना भी दिल्ली आई है। तो उन्होंने हमें फोन किया, हमारे लौकिक घर में सेंटर से नंबर लेकर के हमें फोन किया और फोन करके ये शिक्षा दी कि सपना, एक समर्पित बहन को ज्यादा समय लौकिक घर में नहीं रहना चाहिए, आप अभी जो है सेंटर पर जाकर रहो, वहां से अपना ट्रीटमेंट करो, घर पर रह करके आपको ट्रीटमेंट नहीं लेना, आप समर्पित बहन है। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने स्पेशली ये बात बोलने के लिए सेंटर से नंबर लिया और मुझे ये शिक्षा दी, और वो शिक्षा मुझे इतनी डीपली गई और मुझे इतना समझ आ गया कि नहीं, देखो बड़े भाई मुझे ऐसा कह रहे हैं। जब मैं मधुबन में रहना शुरू किया तो मुझे, हमें जो है ये शर्म आती थी कि यज्ञ से मांगे कैसे ना, कुछ चाहिए तो मांगे कैसे, ऐसे यज्ञ का सिस्टम तो होता है कि लिस्ट मिलती है, तो मुझे लगता था कि मुझे सब अपने, तो मैं दिल्ली से मंगाती थी। तो एक बार दादी को पता चल गया, तो दादी ने मुझे बुलाया, बड़ी दादी ने कहा, देखो सपना अब तुम समर्पित हो, तो समर्पित को हर चीज यज्ञ से लेनी है, अभी आपको लौकिक से कुछ नहीं लेना, नहीं तो लौकिक से आपका हिसाब किताब बनेगा। ऐसे ऐसे हमको यज्ञ में कैसे रहना है, ये दादियों ने बड़ी हमको शिक्षाएं इस तरह से दी ना कि कैसे। उसी तरह से हमारे जो ब्रिजमन भाई हैं ना, भाई साहब जो हैं, ब्रिजमन भाई साहब के साथ मैं जब दिल्ली में थी तो मेरा कनेक्शन नहीं था, लेकिन एक बार जगदीश भाई जी ने किसी सेवा के लिए मुझे बुलाया तो मैं पांडा भवन में जाकर उनके ऑफिस में काम किया, तब इनकम टैक्स का कुछ काम था वो किया। तो मैंने देखा कि ब्रिजमन भाई साहब प्योरिटी मैगजीन ना ऐसे चिपका चिपका के, जैसे पहले स्टाइल होता था प्रिंट निकाल के और ऐसे कट पेस्ट करके मैगजीन बनती थी, तो ऐसे बना रहे थे। तो मुझे बड़ा वंडर लगा कि भाई साहब ऐसे कैसे, इतने बड़े भाई और ये ऐसे करके मैगजीन बना रहे हैं। आज तो कंप्यूटर, तब कंप्यूटर में मेरी इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग में एक्सपर्टीज थी, मैं मैगजीन्स बनाती थी लौकिक में। तो मैंने कहा ये तो बड़ा सहज कंप्यूटर पे हो सकता है, भाई साहब ऐसे कर रहे हैं, बस मुझे इतना संकल्प आया। उसके बाद मैं भाई साहब जगदीश भाई जी का काम करके मैं वापस मधुबन चली गई। जब मैं मधुबन गई तो मधुबन में एक दिन दोपहर का टाइम था, 1 बजे थे, 12-1 बजे थे,
तो ब्रिजमोहन भाई साहब आए, भाई साहब मैं शशिबेन के ऑफिस में नीचे होती थी, तो भाई साहब ने आकर मुझसे कहा कि सपना बेन मुझे छोटा सा एक काम है, कंप्यूटर पे टाइप कराना है, क्या आप करेंगी? तो उस समय रेस्ट का टाइम था, तो मैंने कहा जी भाई साहब अवश्य। तो मैं सारी दोपहर बैठ करके उनका सारा काम किया, तो वो देख करके वो बहुत प्रभावित हुए कि इस कन्या के अंदर डेडिकेशन है, सिंसेरिटी है। तो उसके बाद भाई साहब मुझसे सेवाएं लेने लग गए, और फिर जब थोड़े समय बाद उन्होंने मुझे ये बात बताई कि आपकी ये क्वालिटी को देख करके मुझे लगा कि इस बहन को सेवा देनी चाहिए। तो कई बार हमारी छोटी छोटी सी बातें होती है लेकिन बड़ों को उसको कितनी प्रभावित कर देती हैं। और उसके बाद जब मैं दिल्ली आई 1999 में, तो भाई साहब ने आते ही सबसे पहले मुझे प्योरिटी की जिम्मेवारी दी कि सपना तुम ये प्योरिटी बनाओगी? मैंने कहा जी भाई साहब। और तब से मैं प्योरिटी मैगजीन बनाना शुरू किया और पूरा प्योरिटी में पूरा कंट्रीब्यूशन देना शुरू किया। तो इस तरह से सेवाएं मिलती चली गई और हम इस तरह से सेवाएं करते चले गए, और बड़ों की और सबकी जो है पालना हमको मिलती चली गई। उसी तरह से जैसे मैंने आपको शांतामणि दादी का बताया, उसी तरह से चंद्रमणि दादी हमारी, है ना, चंद्रमणि दादी की भी हमने पालना ली ना। दादी ज्ञान सरोवर में की डायरेक्टर थी लास्ट में वहां पर, क्योंकि पंजाब जोन के बाद वो ज्ञान सरोवर बना, तो उसकी उनको जिम्मेवारी दी। तो दादी जो थी मुरली सुनाती थी, लेकिन मुरली सुनाते सुनाते अगर हमारा ध्यान कभी भी इधर उधर होता था तो दादी टोक देती थी ना, भरी सभा में बोल देती थी कि ये माया है ना। एक बार दो बहनें जो थी, एक बच्चा था क्लास में, छोटा बच्चे आ जाते ना कभी माँ बाप के साथ, तो वो दोनों बहनों की बार बार ना वो बच्चे के साथ जैसे खेल रही थी बीच बीच में, मुरली के बीच में। तो दादी ने स्टेज से ही बोल दिया कि बहनों ये माया है, तो मुरली के बीच में उधर उस बच्चे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हो। तो माना दादियों को ये नहीं होता था कि सबके बीच में बोल रहे हैं कि अलग से, वो सबके बीच में शिक्षाएं दे देती थी। तो चंद्रमणि दादी जो थी वो अपने में ही बहुत पावरफुल थी। और जो दादियों की सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि दादियों के साथ बैठना, माना जो उनके वाइब्रेशंस, उनके जो वाइब्रेशंस आते थे वो इतने पावरफुल वाइब्रेशन आते थे। मुझे याद है कि एक बार की बात है, दादी जानकी की, दादी जानकी दिल्ली में आई थी, तो उस समय मेरी थोड़ी सी, मेरे अंदर थोड़ी सी अवस्था में ढीलापन था ना। तो मैंने देखा कि जब, मेरे को आज भी वो दिन याद है कि जब मैं दादी के साथ बैठी, दादी के साथ दादी को एयरपोर्ट छोड़ने गई, उस संग ने ही मेरे अंदर शक्ति भर दी। थोड़ा समय दादी के साथ बैठे तो वो संग ने ही इतनी हमारे अंदर शक्ति भर दी, और मेरी नेचुरल वो वाइब्रेशन से ही अवस्था में परिवर्तन आ गया। जो अंदर ढीलापन था, ऐसे लगा जैसे दादी से मुझे शक्ति के वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। तो ये जैसे दादियों की अपनी जो ऑरा है वो इतना पावरफुल होता था, जो आज भी हम मिस करते हैं कि दादियों का वो जो अपनापन होता था और जो उनकी, उनके अंदर जो वाइब्रेशंस होते थे, उनके साथ बैठकर कभी ऐसे लगता था जैसे परिवार के साथ बैठे हैं। तो वो सारी बातें, वो सारे अनुभव अंदर भरे हुए हैं, जो आज भी जब हम उन अनुभवों को की स्मृति आती है तो हमेशा हमें यही लगता है कि बाबा ने बहुत अच्छे समय पे अपना बनाया और बहुत हम स्वयं को भाग्यवान अनुभव करते हैं। तो ये जैसे मैं समझती हूँ समय हो रहा है, तभी मैं यहीं पर ही पूरा करती हूँ। अगर किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ कहना है? हाँ, बलजीत बहन को कुछ कहना है। सपना बहन, ये हमारी बलजीत बहन है और इटली से
जुड़ती है, हमेशा इस कार्यक्रम में जुड़ती है। आप इटली से है? हाँ, अभिजीत मैम कहिए। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी आपने पिछली बार बोला था ना, आपसे एक बड़ा अच्छा वो मिला हमें एक्सपीरियंस सुनने से, ये मिला अनुभव कि आपने पिछली बार बोला था कि आपने बोला कि मैंने व्यक्त मुरली पढ़ी है बाबा से पहले वो करने के लिए ना, वो उस दिन से मेरे मन में काफी वो चल रहा है। तो मैं पढ़ती तो रोज मैं भी एक थी, लेकिन जैसे आपने कहा टाइम का कुछ नहीं पता, जल्दी खत्म कर लेनी चाहिए बाबा की व्यक्त मुरली। तो ये पूछना था फिर एक दिन में कितनी आप पढ़ लेते थे, मतलब कैसे थोड़ा बताओगे उसका? जैसे उस समय ऐसा था कि मेरी मुरलियां थोड़ी सी थी, जैसे 69 से 86 तक की मुरलियां मुझे कवर करनी थी, तो मैं रोज की एक ही मुरली पढ़ती थी, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर ऐसा भी ना हो ना कि इतना ज्यादा ओवरडोज ले ले। हाँ जी। बस एक मुरली पढ़ती थी और उसी को ही चरण करती थी, एक मुरली, ज्यादा नहीं। नहीं आप तो जल्दी आगे थे ना, आप तो, हम तो बहुत पीछे है ना हम तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप शुरू करें बाबा आपको मदद करेगा, लेकिन एक से ज्यादा नहीं, एक ही मुरली पढ़े रोज। हाँ, लेकिन फिर वो ऐसे हमारी तो कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि मैंने एक तो पिछले साल से तो शुरू कर रखी है, 77 तक तो पहुंच गई हूँ, क्योंकि जैसे टोटल मुरलियां 5607 है, आई थी 6000 के करीब है, तो हमारी तो फिर ऐसे तो आगे तो टाइम बहुत खराब, अगला साल पता नहीं पढ़ने को मिले ना मिले, नेट प्रॉब्लम आए, तो अगर दिन में 2-3 भी पढ़ ले, 4 भी पढ़ ले, तभी हमारा तो गुजारा होगा ना, क्योंकि आपका तो ऐसा है बाबा का जो मुरली है, जैसे मेरा तो अलग वो था, बाबा तो कहता है कि हमें सार को समझना है, विस्तार में ना जाकर सार में जाना है। तो आप जो है मुरली की अगर आप हेडिंग भी पढ़ लेंगे ना, एक मुरली पढ़ लो एक साल में और बाकी हेडिंग्स पढ़ते जाओ, तो हेडिंग्स में भी आपको सारा सार मिल जाएगा। और कई बार मुरली का सार, वो अव्यक्त मुरलियों के भी सार लास्ट में लिखते हैं, तो अभी सार में जाओ, क्योंकि वो तो विस्तार का समय था। और बाबा तो कहता है सब ज्ञान का सार है मन मनाभव, कि मन को ईश्वर में लगाना, बाबा में लगाना, मेन उसमें हमको, हमारे को सदा याद बाबा की रहे, ये सब मुरलियों का सार है। तो आप सार को पकड़ लो कि ये सार है। जो मेरा समय था वो अलग था ना, उस समय मैं यंग थी और उस समय जैसे स्टूडेंट लाइफ का एक नशा था, तो मुझे आया कि सारा सिलेबस पढ़ लूं, तो वो एक अलग चीज थी। आप सार को पकड़ लो, ठीक है, ये मत उसको सोचो, लेकिन हाँ ये अपना रूटीन रखो कि सेल्फ स्टडी के हिसाब से रोज की एक अव्यक्त मुरली पढ़नी है। जी, सपना बहन, ये हमारी बलजीत बहन भी जो है ना, वो बाबा की सच्ची गोपी है, बड़ा इसको पुरुषार्थ से लगाव है, बड़ा नशा है नारायणी, ये भी अच्छी बात है। बाकी आज कहेंगे आपने विशेष आत्माओं के गुणों की माला हम सबके गले में डाल दी, और आपके लिए तो फिर यही कहेंगे, जैसे दुनिया में बहनें श्रृंगार करती है, ऐसे आपने अपने आप को अनुभव से श्रृंगारा हुआ है, और कितना ही अनुभव का श्रृंगार कितना आकर्षित करता है हम सबको, तो बड़ी खुशी होती है आपकी बातों को सुनकर, और प्राप्तियां भी हुई आज सभी दादियों की, आपने स्मृति दिला दी, एक एक करके आपने उनको याद किया, उनकी विशेषताओं को हम सबके सामने रखा, तो हमें भी वो नज़ारे सारे सामने आ गए जो हमने उनके साथ पल बिताए हैं, तो इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और आपकी बातों से बस यूं ही लगता है कि आपके अंदर से यही गीत गुंजन निकलता है कि धन्य धन्य हो गए हम, प्रभु को भा गए हम, उनके काम आ गए, बस आपका रोम रोम जैसे यही आवाज और यही गीत गुंजन कर रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने दूसरा भी एक घंटा हम सबके लिए निकाला, तो दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठ के फिर पूरा करते हैं, ठीक है? थैंक यू। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए,
गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु।